जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, माँ भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा समय समय पर नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में जो मनुष्य धर्म के प्रति आसक्त है, जो धर्म में विश्वास रखता हो, शक्ति संचय करना चाहता हो, ऐसे मनुष्यों के लिए समय समय पर साधना कैसे करें इस संबंध में सूचना देते रहता है। इसी तारतम्य में 15 अक्टूबर 2023 से जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, उस नवरात्रि में अपराजिता माँ की साधना, आराधना, मंत्र बोलना और उसका पूरा विधान बताया जाएगा। जो भी मनुष्य माँ अपराजिता की साधना लेना चाहता हो, वह धर्म प्रेमी बंधु संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा परिचय देते हुए, ताकि आगे की पूरी संपूर्ण कार्यवाही उनको बताई जा सके। ओम आकर्षणी आवेशिनी ज्वाला मालिनी रमणी रामिणी धरिणी धारिणी तपिनी तापिनी मनमोत्निनी शोषिणी सम्मोहिनी नीलपता के महानीले महाप्रिय महाग्रेयी महाचंडे महारौद्री महाव्रजिणी आदित्य रश्मि जानवी यम घंटे किली किली चिंतामणि सुरभि सुरोत्पन्ने सरस्वती सरकामदा दुदे मम मनीषितम कार्य तनमे सिद्ध्यतु स्वाहा। ये अपराजिता माँ का मंत्र है और अपराजिता माँ का माला मंत्र भी है, जिससे आप शत्रु को पराजित कर सकते हो। तो इस साधना को करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको जो हम मंत्र बताएंगे उस मंत्र को बोलते सिखाएंगे वो आपको आना चाहिए। तो अपराजिता भगवान नरसिंह की मूल शक्ति है और अष्ट मात्राओं को में चौथी वैष्णवी माता को ही अपराजिता के नाम से जाना जाता है। यदि हम अपने बहुत सारे हिंदू सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं उनका बारीकी से अध्ययन करें, मनन करें, तो उन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दुर्गा माँ को अश्विनी शुक्ल दशमी को अपराजिता की पूजा साधना का विधान हमें शास्त्रों में प्राप्त हो जाता है। यानी कि माँ भगवती दुर्गा जी का ही दूसरा रूप शत्रुनाश का अपराजिता नाम से जाना जाता है और विजया दशमी को अपराजिता दशमी भी कहा जाता है। और बहुत से जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, इस विजया दशमी यानी दशहरे की रात का बहुत बेसब्री से इंतजार भी करते हैं कि हमें उस दिन माँ भगवती को प्रसन्न करना है। वो पुराने जमाने में भी ऋषि मुनि और राजा लोग जो थे अपराजिता की सिद्धि करते थे, साधना करते थे, पूजा करते थे, बलि देते थे और भैंसे की बलि हुआ करती थी और छत्री और राजा को वीर भाव प्राप्त करने के लिए अपराजिता देवी की साधना का विशेष महत्व बताया गया है। और माँ अपराजिता की
पूजन अर्चन करने के कारण ही ऐसा शास्त्र कहता है कि श्री रामचंद्र जी उसी दिन लंका पर आक्रमण किया था और इस दिन श्रवण नक्षत्र था और इसी नक्षत्र में ही अपराजिता देवी की पूजा होती है। तो यहाँ दो तीन चीज़ बहुत टेक्निकल चीज़ आ गई है कि माँ भगवती अपराजिता की साधना करते हैं तो श्रवण नक्षत्र में करना चाहिए और दशहरे का दिन हो जाए तो और अच्छी बात होती है, यानी दशहरे के दिन ही अपराजिता की साधना मतलब सिद्धि या फिर उनके हवन पूजन जप तप करने का विधान है। उसके पहले आप संकल्प लेकर के उनके मंत्रों का जप कर सकते हो, उनसे संबंधित जो षोड़श उपचार पूजा होती है वो आप सीख सकते हैं। तो जो भी मनुष्य अपने तंत्र बाधा से, ऊपरी बाधा से, काला जादू से, शत्रु से और गुप्त शत्रु से परेशान है उसे अपराजिता देवी की साधना करनी चाहिए या फिर अनुष्ठान करवाना चाहिए ताकि शत्रुओं का नाश हो जाए, शत्रु बीमार पड़ जाए, शत्रुओं का एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए। हम मांग नहीं रहे माँ से, इसमें दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपका शत्रु आपके सामने से वार नहीं कर रहा है, आपका शत्रु पीछे से वार कर रहा है। तो तंत्र से बचने के लिए भी अपराजिता देवी की साधना करना चाहिए या अनुष्ठान कराना चाहिए। यदि किसी भी मनुष्य को अपराजिता देवी का अनुष्ठान कराना हो तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712 और तीसरा नंबर है 7987237885 इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके अपना पूरा परिचय अवश्य दें। कृपया फ़ोन नहीं लगाएं, मैं बार बार कहता हूं कि कृपया फ़ोन नहीं लगाना, फिर भी हमारे बहुत से जो सुनने वाले हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो जैसे ही सुनते वैसे ही फ़ोन लगा देते हैं तो उनका फ़ोन उठाया नहीं जाता है। तो वो सोचते होंगे अरे यार फ़ोन नंबर दिया पर उठाया नहीं है। तो हमारा ये कहने का अर्थ है कि कृपया फ़ोन नहीं लगाएं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से पहले अपना परिचय अवश्य दें कि आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, आप क्या चाहते हो। तो श्रवण नक्षत्र में अपराजिता देवी की पूजा होती है और इसके लिए माँ दुर्गा जी का कोई मूर्ति या चित्र की आवश्यकता भी हो सकती है और माँ भगवती दुर्गा जी की जैसे पूजा करते हैं उसी तरीके से षोड़श उपचार माँ अपराजिता की पूजा की जाती है, जिसमें लाल आसन, लाल धोती, लाल वस्त्र पहने जाते हैं, बलि के लिए सामान की व्यवस्था की जाती है, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जाता है और षोड़श उपचार पूजन सामग्री यानी गंध, अक्षत, पुष्प, इत्र, मिठाई, नारियल, नींबू, ये सब की आवश्यकता होती है। तो अपराजिता जो शब्द है इसका मतलब है कि जो कभी पराजित नहीं होने वाली, उसे अपराजिता बोलते हैं। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो आपको विजय होना ही होना है, तो ऐसी ही शक्ति को हम अपराजिता बोलते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसी शक्ति की ही आवश्यकता होती है आज के कलयुग में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपराजिता देवी की साधना की थी और सामान्यतः अपराजिता शक्ति को आद्य शक्ति जगदम्बा पार्वती का ही रूप बताया गया है और इस शक्ति साधना से जीवन के प्रत्येक विषमता में आप समता ला सकते हो, यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हो, आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। ग्रह नक्षत्र जो आपको खराब फल दे रहे हैं उन ग्रह नक्षत्रों को भी इस शक्ति के माध्यम से अनुकूल कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया है कि प्राचीन समय में राजा लोग भी विजयादशमी के दिन विशेष तौर से अपराजिता देवी की पूजन अर्चन करते थे। वास्तव में यह अपराजिता शक्ति जो है नारायणी शक्ति है, नरसिंह की शक्ति है,
और फल श्रुति ग्रंथ के अनुसार जब देवता और असुरों में संग्राम हुआ तो देवताओं के द्वारा माँ भगवती से अनुविनय करने पर उन्हें अपराजित होने का वरदान मिला था। तो ये जो अपराजित होने का वरदान मिला था ये माँ भगवती ने ही दिया था, तो इसलिए इसकी साधना की जाती है। और महर्षि वेदव्यास ने अपराजिता देवी को आदिकाल की श्रेष्ठ फल देने वाली देवताओं द्वारा पूजित यानि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा पूजन करने जान उनके द्वारा पूजने वाली देवी के रूप में इनका बताया गया है। तो नव दुर्गा में माता अपराजिता संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तिदायिनी और ऊर्जा प्रदान करने वाली देवी है। अपराजिता की एक बेल भी आती है जिसमें सफ़ेद कलर के और बैंगनी कलर के फूल निकलते हैं। उन फूलों का विशेष तौर से उस दिन प्रयोग किया जाता है। विजयादशमी के दिन माता अपराजिता का पूजन किया जाता है और अश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्र प्रारंभ होने के उपरांत इनके संकल्प लेकर के जप तप किए जाते हैं। अपराजिता देवी सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती है और माता दुर्गा जी का ही अवतार माना जाता है। तो यदि ज्योतिष के अनुसार देखें तो माँ अपराजिता का पूजन दोपहर के तत्काल बाद ही कर देना चाहिए, यानी कि अपराह्न से संध्या काल तक कभी भी माता अपराजिता की पूजा कर यात्रा आरंभ की जा सकती है। माँ अपराजिता के बारे में बहुत सारी विभिन्न कथाएं हैं, बहुत सी विधियां भी मिलती हैं जो गुरु गम्य होती है, परंतु फिर भी ये जया विजया का संबंध अपराजिता शक्ति से ही है। तो माँ भगवती दुर्गा देवी का ही रूप अपराजिता है और यह कभी भी पराजय का मुख नहीं देखने देती है, चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति हो यह मान करके चले आपको जीतना ही जीतना है यदि इसका अनुष्ठान आप समय समय पर करवाते रहते हो। तो एक अपराजिता स्त्रोत भी है और एक अपराजिता मंत्र भी है। मंत्र मैं आपको पहले बता चुका हूँ और अपराजिता स्त्रोत भी बोलना सीखना पड़ता है। तो जो भी धर्म प्रेमी बंधु अपने आसपास वाले पड़ोसियों से परिवार वालों से तांत्रिक क्रियाओं से परेशान है, ऊपरी बाधा से परेशान है, धंधा चौपट कर दिया गया हो, मांगलिक बंधन कर दिया गया हो, लक्ष्मी का बंधन कर दिया गया हो, दिमाग का बंधन कर दिया गया हो, या फिर शत्रु बहुत उत्पन्न हो गए हो, हर काम के अंदर आपकी कहीं न कहीं पर कंप्लेंट करते रहते हो, तो ऐसे मनुष्य को अपराजिता का अनुष्ठान करवाना चाहिए। और जो भी इसका अनुष्ठान करता है वो दीक्षित होना अत्यंत आवश्यक है और उनको इसका पाठ करते आना चाहिए। ओम नमो अपराजिताय ओम अस्य वैष्णवाय पराया अजिताय महाविद्याय वामदे बृहस्पति मार्केंड ऋषि गायत्री गंछंड बृहति छंदासी लक्ष्मी नरसोह देवता ओम क्लीं ह्रीं श्रीं बीजम ओम शक्ति सकल कामना सिद्ध्यर्थम अपराजित विद्या मंत्र पाठे विनियोग। विनियोग करना जरूरी होता है। अब इसके अंदर भी यदि अर्थ देखें तो वैष्णवी शक्ति इसके अंदर शामिल है और नरसिंह देवता लक्ष्मी नरसिंह देवता है, यानी भगवान नरसिंह की शक्ति और वैष्णवी शक्ति, ये दोनों शक्ति इसमें काम करती है।
और इसका पाठ करने के लिए विनियोग करना पड़ता है। ओम नीलोत्पल दल श्यामम भुजंग भरणामिताम शुद्ध स्फटिक संकाशाम चंद्रकोटि निभावनाम शंख चक्रधराम देवी वैष्णवी अपराजिताम बांदेलु शेखरम देवी वरदाभयदायिनीम नमस्कृत्य पपाठेन मार्कण्डेयो महातपा। मार्कण्डे उवाच शुश्रु मनुय सर्वे है। इस प्रकार से इसका पूरा पाठ किया जाता है विधि विधान से, और हमेशा उच्च स्वर से इसका पाठ करना है। मन ही मन में इसका पाठ नहीं किया जाता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि जब तक हम उच्च स्वर से पाठ नहीं करेंगे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, और विद्युत उत्पन्न होगी, विद्युत ऊर्जा उसी से ही करंट उत्पन्न होगा, उसी से ही माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। तो ये अपराजिता देवी के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन हमने आपको बता दिया। सामान्य पूजन विधान इसमें नहीं होता है। इसके विधान में गाय के सूखे गोबर के ऊपर गूगल की धुनी अवश्य दी जाती है। घी, वो भी गाय का घी मिल जाए तो उसका प्रयोग किया जाता है। अष्ट चक्र इसमें बनाया जाता है, स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है, इसका पूरा विधि विधान है। जो भी इस अपराजिता की साधना सीखना चाहता हो या अपने शत्रुओं का नाश करना चाहता हो वह व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। अपराजिता जैसा कि बोला है कि सर्व विजयेश्वरी है, सब जगह विजय ही विजय देने वाली है, बशर्ते कि अनुष्ठान विधि विधान से पूरा किया जाए और विधि विधान सिखाया जाता है। गुरु गम्य होता है, गुरु से प्राप्त करना होता है, फोन पर नहीं दिया जा सकता है। और जब भी किसी भी गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य देना चाहिए या गुरु की फीस अवश्य देना चाहिए। फ्री में ज्ञान कभी भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार का नहीं लेना चाहिए, अन्यथा गुरु ऋण चढ़ता है। इसीलिए गुरु ऋण चढ़ने पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो वैष्णवी शक्ति इसके विशेष तौर से इसके साथ में है, वैष्णवी शक्ति ही ये कार्य करती है। और इस अपराजिता साधना से बहुत से लाभ भी होते हैं। एक तो सबसे बड़ा लाभ होता है कि जो मनुष्य है वह अपने परिवार को सुरक्षित कर लेता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, या फिर शत्रु उसके शरणागत आ जाते हैं या शत्रु स्थान छोड़ करके भाग जाते हैं। शत्रुओं की हर कुटिल नीति जो मनुष्य को नीचा गिराने का काम करती है, साम दाम दंड भेद कह लीजिए या षटकर्म कह लीजिए, वह सब तहस नहस हो जाती है। यानी मनुष्य के सामने शत्रु निर्बल हो जाते हैं, और जो कोई भी मनुष्य इसकी साधना कर लेता है उसके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं होता है। चाहे वो मूठ चला दे, चाहे वो मटकी चला दे, चाहे वो दीपक चला दे, चाहे वो प्रेत भेज दे, तांत्रिक साधना यदि इसकी करते हैं, जो इसका विशेष अनुष्ठान है 1100 मंत्र का, यदि वो करवा लेते हैं तो तंत्र प्रयोग नहीं होता, उससे रक्षा कवच तैयार हो जाता है। और कोई अन्य साधना करते उसमें भी सफलता मिलती है। यदि किसी मनुष्य के यहाँ दरिद्रता का वास है तो ऐसे मनुष्य को भी अपराजिता की साधना करना चाहिए या अनुष्ठान करवाना चाहिए, तो दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख शांति रहती है, लक्ष्मी जी का वास हो जाता है, और लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु जी के साथ में रहती है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हो और जिसमें विजय श्री प्राप्त करना हो तो अपराजिता की साधना करना चाहिए। परंतु यह साधना करने के पहले या अनुष्ठान कराने के पहले ये अवश्य देख लें कि घर के अंदर यदि कोई ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू पहले से मौजूद हो तो पहले उसे कटवाना आवश्यक होता है, तब जाकर के ये इस अपराजिता के मंत्र और अपराजिता का जो स्त्रोत है उसका पाठ का फल प्राप्त होता है।
यदि किसी मनुष्य के ऊपर तांत्रिक बाधा है, ऊपरी बाधा है, तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो ग्रह की वजह से ये तांत्रिक बाधा उत्पन्न हुई है उसका प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, उसकी पूजन हवन करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान देना चाहिए, क्योंकि दान देने से पाप कटते हैं और जब पाप कट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सुख की प्राप्ति होती है। तो कोर्ट कचहरी के मुकदमे यदि किसी के चल रहे हो और जीतना है तो अपराजिता की अनुष्ठान कराना चाहिए। मुकदमे में प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के लिए, और जो मनुष्य रोजाना अपराजिता स्त्रोत का और मंत्र का पाठ करता है उसके छोटे मोटे कार्य तो ऐसे ही ऑटोमेटिक होने लगते हैं और आनंद पूर्वक वह जीवन व्यतीत करता है। और शत्रु विशेष तौर से दूर हो जाते हैं, रोग भी नाश होने लगते हैं, मतलब शारीरिक बीमारी नहीं होगी। राजकीय कार्य में विशेष तौर से ब्रह्मास्त्र का काम करता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय होने लगती है, इसलिए इसको अपराजिता साधना या अपराजिता स्त्रोत या अपराजिता मंत्र बनाया गया है। इसकी साधना जो होती है वह रात्रिकालीन होती है, 10 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, 3:30 बजे तक अंधेरे में यह साधना की जाती है। गुरु के सानिध्य में रहकर के साधना करना चाहती है और विजयादशमी के दिन इसकी संपन्नता होती है। इसमें लाल धोती पीली धोती पहन सकते हैं, आसन भी वही रखना होता है। अपराजिता के पुष्प यदि मिल जाए तो उनको अवश्य लेकर के आना चाहिए। इस साधना में उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में बैठ करके साधना की जा सकती है और पीले कपड़े भी पहन सकते हैं, पीला आसन भी रख सकते हैं, लाल कपड़े भी पहन सकते हैं, लाल आसन भी रख सकते हैं। जब ये पूजा करते हैं तो पूरा विधि विधान से अष्टदल कमल बनाया जाता है। और अपराजिता है तो चीज दुर्गा देवी की ये मारक रूप है। दुर्गा देवी को हम सोम्य स्वरूप के अंदर पूजते हैं घर के अंदर, परंतु यदि इनको दुर्गा देवी जी को मारक रूप में पूजना है, संहार रूप में पूजना है, तो अपराजिता के नाम से पूजना पड़ेगा। और जब ये पूजा करते हैं तो सभी स्थान के देवता, ग्राम देवता, दिक्पाल देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल देवता, इन सबको भी बुलाया जाता है। और जो आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्ति होती है उनका संहार अवश्य होता है। तो अपराजिता की पूजा में शमी पत्र विशेष तौर से आवश्यक होते हैं और इन शमी पत्रों का प्रयोग इस पूजा में विशेष तौर से किया जाता है। गुलाल, कुमकुम, धूप, दीप, प्रसाद, मिठाई, पुष्प, जलपात्र, पंचोपचार पूजन, ये सब सामग्री इसमें प्रयोग होती है। बाकी मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है। ओम आकर्षणी आवेशिनी ज्वालामालिनी रमणी रामिणी धरणी धारिणी तपनी तापिनी मनमोदिनी शोषिनी सम्मोहिनी नीलपताके महानीले महाप्रिये महिग्रही महाचंडे महारौद्री महाव्रजिनी आदित्य रश्मि जानवी यम घंटे किली किली चिंतामणि सुरभि सुरोत्पन्ने सरस्वती सर्वकामदादुदे मम मनीषितम कार्य तन्मे सिद्ध्यतु स्वाहा। तो इस प्रकार से इनकी साधना की जाती है। तो जो भी मनुष्य माँ अपराजिता की साधना करना चाहता, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक साधना ऐसी है जिससे आपके जीवन सफल हो सकता है, आप तंत्र से बच सकते हैं, मंत्रों से बच सकते हो, शत्रुओं से बच सकते हो, और जीवन में यदि शत्रु से बच गए तो आपकी उन्नति होगी ही होगी, ये निश्चित है। क्योंकि जब तक आपकी शत्रु आपकी टांग नहीं खींचेगा आप नीचे नहीं गिरोगे, इसलिए आपको शत्रुओं से बचना है। और शत्रुओं से बचने के लिए निश्चित तौर से आपको अपराजिता की साधना करना होगी।
त्रैलोक्य विजय कवच है एक तरीके से, जो तीनों लोकों में पराजित ना होने दे, तीनों लोकों में जो विजय प्रदान करे, या ऐसा स्त्रोत है। इस स्त्रोत के पाठ से नवग्रह दोष समाप्त होते हैं, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नाद आदि बाधाओं से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। मनुष्य की सभी मनोकामना सिद्ध हो जाती है, पर मनुष्य इसका प्रयोग जिंदगी में रोजाना करे। और समय जो मैंने बताया, रात के वक्त में ही एक घी का दीपक लगा करके इसका पाठ किया जाता है। जाने अनजाने में हमारे द्वारा कई पाप कर्म हो जाता है, उन पापों का विनाश हो जाता है। निसंतान दंपत्ति को संतान की आशा उत्पन्न हो सकती है, सरकारी कामों में सफलता प्राप्त हो सकती है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा, और आपके घर में या घर के आसपास जो उपद्रव होते हैं नेगेटिव एनर्जी के द्वारा, भूत प्रेत पिशाच के द्वारा, वो उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। शत्रु के द्वारा यदि मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण उदासन ये षटकर्म यदि किए गए हैं तो ये भी दूर हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। यानी कि सभी प्रकार के विघ्न शांत हो जाते हैं इस स्त्रोत का पाठ करने से। और यदि किसी को बुरे स्वप्न आते हुए, यानी तंत्र बाधा की वजह से बुरे स्वप्न आते हैं, तो वह भी शांत हो जाते हैं। और यह स्त्रोत जो है सामाजिक मान सम्मान देने में भी सक्षम है, समर्थ है। और इस स्त्रोत के निरंतर जाप करने से भयंकर रोग भी दूर हो जाता है, या अनुष्ठान कराने से रोगों से रक्षा होती है, अनेक असाध्य रोग शांत हो जाते हैं। गंभीर रोगी भी इसका अनुष्ठान कराने से स्वस्थ हुए हैं। बस ये थे कि अनुष्ठान विधि विधान से किया जाए। और बहुत से मनुष्य जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े राजनेता होते हैं, वह सब इस अनुष्ठान का पालन करते हैं और करवाते हैं। गुपचुप रूप से सब तांत्रिक क्रिया में व्यस्त रहते हैं, समय समय पर ये वहाँ जाते हैं, अनुष्ठान में पूर्णाहुति में शामिल होते हैं, दक्षिणा देते हैं और अपना फल को प्राप्त करते हैं। तो ये जो होता है अपराजिता स्त्रोत और अपराजिता मंत्र, जैसा कि मैंने कहा है कि 1100 पाठ का अनुष्ठान होता है। अब 1100 पाठ का अनुष्ठान 9 दिन में संपन्न करना होता है, तो इसके लिए कम से कम 120 पाठ रोजाना करना होते हैं। अब इसके लिए जितने भी ब्राह्मणों की आवश्यकता हो, उतने ब्राह्मण दीक्षित ब्राह्मण होना चाहिए, जिनको इसका पाठ करने का अनुभव हो, जिन्होंने अपने गुरु से सीखा हो। अटके हुए टूटे हुए खंडित ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, लूले लंगड़ा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, एक आंख से काना ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, गूंगा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए एक्सपर्ट ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, जिन्होंने अपराजिता स्त्रोत का गुरु से मंत्र दीक्षा में मंत्र को प्राप्त किया हो और इसका उनके द्वारा जप भी किया गया हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव, त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म वंदने। ओम मृत्युंजय महादेव, त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म वंदने। अथ अपराजिता मंत्रः। ओम आकर्षणी आवेशिनी ज्वाला मालिनी रमणी रामिणी धरणी धारिणी तपिनी तापिनी मनमोत्मादिनी शोषिणी सम्मोहिनी नीलपताके महानीले महाप्रिये महाग्रही महाचंडे महारौद्री महाव्रजिनी आदित्य रश्मि जानवी यम घंटे किली किली चिंतामणि सुरभि सुरोत्मने सरस्वती सर्वकामदा दूधे मम मनीषितम कार्य तन्मे सिद्ध्यतु स्वाहा। 126 अक्षरों का यह अपराजिता देवी का मंत्र है, जो बहुत प्रभावी है और तीव्र प्रभावी है। विजयादशमी के दिन इसका पाठ विशेष तौर से हर मनुष्य को करना चाहिए और हवन भी करना चाहिए।
विजयादशमी यानी दशहरे के दिन नवरात्रि की नौमी कन्या पूजन करने के बाद में जो दशहरा आता है उस दिन रात को इसका वर्ष में एक बार अनुष्ठान करने पर आप तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू और शत्रुओं से बच सकते हैं। घर परिवार के सभी मनुष्यों को इसका अनुष्ठान मिल करके करना चाहिए ताकि पूरे घर की सुरक्षा बनी रहे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम खैं खैं खौं खम फट, शत्रुग्रहासी शत्रुग्रहासी, होम फट, सर्व शत्रु सहारणा सर सालुआ पक्षी राजा होम फट। ये भगवान नरसिंह का मंत्र है।